टुडे वी विल स्टडी डू यू। लेट मी स्टार्ट विद अ स्टोरी। तो एक कॉलेज में लड़का होता है, उसका नया नया एडमिशन होता है, उसका नाम होता है सैम। सैम के साथ एक कॉलेज में लड़की पढ़ती है, उसका नाम होता है सोफिया। तो सैम और सोफिया दोस्त बन जाते हैं। अब सैम उसको इम्प्रेस करना चाहता है, तो सैम को लगता है कि यार मुझे इम्प्रेस करने के लिए उसको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। और सैम उसके बारे में जानना चाहता है, उसके हैबिट्स के बारे में जानना चाहता है, उसकी रूटीन के बारे में जानना चाहता है, वो करती क्या है, उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उसके बारे में जानना चाहता है। मगर सैम को इंग्लिश नहीं आती। अब सैम परेशान कि क्या करें, इससे सोफिया से कैसे डेली रूटीन पूछें, कैसे उसकी हैबिट्स के बारे में पूछें, कैसे उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में पूछें, कैसे उसकी नीड्स एंड वांट्स के बारे में पूछें। तो उसको एक इंग्लिश गुरु मिलते हैं और वो इस इंग्लिश गुरु के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मुझे लोगों से पूछना है उनके हैबिट्स के बारे में, उनके डेली रूटीन के बारे में, मैं कैसे पूछूँ। तो इंग्लिश गुरु कहता है इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आप यूज़ करिए डेली रूटीन के लिए और हैबिट्स के लिए डू। जैसे अगर पूछना है क्या तुम किताब पढ़ते हो या पढ़ती हो, या पूछना है क्या तुम आइसक्रीम खाते हो या खाती हो, क्या तुम टेलीविज़न देखते हो, क्या तुम रेडियो सुनते हो, क्या तुम अखबार पढ़ते हो, ये डेली रूटीन के बारे में। क्या तुम इंग्लिश या फ्रेंच बोलते हो, क्या तुम कोचिंग जाते हो या जाती हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। अब गुरु ने कहा कि अगर तुम्हें इस तरह के सेंटेंस बोलने हैं तो तुम्हें डू यू यूज़ करना पड़ेगा। डू यू रीड द बुक, क्या तुम बुक पढ़ते हो। डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो। डू यू लिसन टू रेडियो, क्या तुम रेडियो सुनते हो। डू यू रीड न्यूज़पेपर, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। Do you go to school or coaching? क्या तुम कोचिंग या स्कूल जाते हो। Do you teach English? क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो। अब उसको सैम को समझ में गया और जाता है और बहुत से डे रूटीन उससे पूछता है। अब सैम को एक और दिक्कत आती है। अब सैम कहता है कि वो मुझे आंसर देती हाँ और ना में, मैं चाहता हूँ थोड़ा डिटेल आंसर दें। जब मैं उससे पूछता हूँ ड्यू रीड द बुक, वो कहती यस आई रीड द बुक और आगे कुछ नहीं बोलती। जब मैं कहता हूँ उससे डू यू लाइक आइसक्रीम, वो कहती यस आई लाइक आइसक्रीम और आगे कुछ नहीं बोलती, तो यस और नो में जवाब देती है। जब मैं उससे पूछता डू यू वॉच टीवी, शी कहती नो आई डोंट वॉच टीवी। डू यू लिसन टू रेडियो, शी सेज आई डोंट लिसन टू रेडियो, ऐसा कहती है। तो गुरु से पूछता है इंग्लिश गुरु से कि वो हाँ और ना में जवाब दे रही है। तो गुरु कहता है तुम हाँ और ना वाले जवाब ही पूछ रहे हो, तो इसलिए वो हाँ ना जवाब देंगे। अगर तुम डू यूज़ करोगे तो वो सिंपल हाँ और ना में जवाब देंगे। अगर तुम्हें चाहिए कि डिटेल में आंसर दें तो उसके आगे तुम्हें WH लगाना पड़ेगा। अब WH क्या है। WH है वॉट वेयर, वॉट मतलब क्या, वेयर कहाँ, वेन कब, वाई क्यों, हाउ भी यूज़ कर सकते, कैसे। तो तुम्हें इस तरह के डिटेल आंसर पूछने पड़ेंगे डू यू से पहले। अब जैसे डू यू रीड द न्यूज़पेपर, अब तुम्हें ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर नहीं यूज़ करना, अब तुम्हें पूछना होगा व्हाट डू यू रीड। जब तुम इस तरह के सवाल पूछोगे व्हाट डू यू रीड, तो वो हाँ ना में नहीं बोलेगी, वो बताएगी, अपने ऑप्शन देगी कि आई रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, आई रीड मैगजीन, आई रीड बुक्स, आई रीड नॉवेल, वो इस तरह की बोलेगी। अब तुम्हें पूछना है उसकी पसंद क्या है, तो यू कैन से व्हाट डू यू लाइक, क्या पसंद है, तो बताएगी अपनी लाइक के बारे में। I like reading books. I like going outside. I like talking to people. I like meeting to people. तो बहुत से likes बताएगी। What do you like पूछना पड़ेगा, तो WH लगाना पड़ेगा। Okay. तो भाई सैम को समझ में आता है। Okay. अब सैम कहता है What do you listen? तुम क्या सुनती हो? तो बताती है I listen to radio. I listen to song. I listen to podcast. I listen to music, I listen to audio. तो ऑप्शन बताती है हाँ ना में जवाब नहीं देती, बल्कि डिटेल आंसर देती है। ओके, तो इस तरह से आप पूछता है
व्हेन डू यू रीड न्यूज़पेपर, व्हेन डू यू गो टू, या व्हेन डू यू गो टू स्कूल, स्कूल कब जाती है तो टाइम बताती है, व्हेन डू यू गो टू कोचिंग, कब कोचिंग जाती हो, ओके, या हाउ डू यू टीच, या हाउ डू यू रीड, तो कैसे पढ़ती हो, तो वो डिटेल में आंसर देती है। सो डिटेल में आंसर के लिए आपको WH लगाना पड़ेगा, वॉट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे। So I hope you got it, and thanks for having me. Have a great day.